हाउ टू चेक द प्रेशर ऑफ कंप्रेसर, है ना, यानी कि कंप्रेसर का प्रेशर कैसे चेक किया जाता है, हम बता रहे हैं गैस चार्जिंग का स्टेप। तो गैस चार्जिंग के स्टेप में आपके टोटल 5 स्टेप होते हैं, उसमें सबसे पहला नंबर होता है कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना। नंबर दो क्या होता है इसमें, नंबर दो आपका आएगा कंडेंसर को फ्लश करना, और नंबर तीन जो आता है कंडेंसर और कूलिंग कॉइल दोनों को फ्लश करना, नंबर चार सिस्टम को वैक्यूम करना, और नंबर पांचवा गैस चार्जिंग करना, है ना। तो इसमें हम पहला काम करा रहे हैं कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना, बाकी टोटल वीडियो अपलोड है ए टू जेड गैस चार्जिंग में क्या क्या करना पड़ता है, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन ये अलग से बता रहा हूँ ताकि जब कभी कंप्रेसर का प्रेशर चेक करना हो आपको केवल इसका ही, तो आप कर सके, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए करना क्या होता है, सबसे पहले सक्शन लाइन पे एक सक्शन पाइप जुड़ी होती है, इसको हमको वेल्डिंग गन द्वारा छुड़ा लेना होता है। चार्जिंग पिन को क्या कर देना होता है, ओपन कर देना होता है, ये दोनों आपकी ओपन रहेंगी। इसके बाद करना क्या, यहाँ पर आपका फिल्टर ड्रायर लगा होता है कंडेंसर के अंतिम सिरे पे, फिल्टर ड्रायर को वेल्डिंग गन द्वारा गर्म करके छुड़ा लेना है, ठीक ना। इसके बाद करना क्या, यहाँ पर कैप्लान टेप लगाना है और इसके ऊपर कपलर लगाना है, तो दिखा रहा है कैसा होता है। तो कपलर लगाना है, कपलर के अंतिम सिरे पर एक गैस चार्जिंग पाइप लगानी है और गैस चार्जिंग पाइप के अंतिम सिरे पे प्रेशर गेज लगा देना है, ठीक ना। इसके बाद करना क्या है, इस कंप्रेसर को ऑन कर देना है। जब कंप्रेसर को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये अपनी सक्शन लाइन से हवा को खींचेगा, बाहरी हवा को, चार्जिंग लाइन से बाहरी हवा को खींचेगा और प्रेशर के साथ कंडेंसर में भेजेगा। हवा कंडेंसर की पाइपों से होते हुए कपलर पे आएगी, कपलर से पाइप में जाएगी और पाइप से यहाँ पर प्रेशर बनेगा, ठीक है। जब प्रेशर बनेगा तो इसकी स्विच क्या होगी, ऊपर चढ़ेगी। यदि एक मिनट के अंदर में इसकी स्विच 400 से ऊपर पहुंच जाती है तो इससे हमें पता चलता है कंप्रेसर प्रेशर तो बना रहा है ना। जब कंप्रेसर की स्विच इतना तक पहुंच जाए तो करना क्या है, आपको सिस्टम को बंद कर देना है, ठीक ना। सिस्टम को बंद कर दीजिए, इसके बाद से आप क्या करिए, सिस्टम बंद करने के बाद रीडिंग जो भी रीडिंग आई है, मान लीजिए 400 आई है या 402 आई है या 450 आई है, जो भी आई है एक मिनट के अंदर में, उसे आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लेकिन 450 से मतलब 400 से ऊपर जानी चाहिए, नीचे है तो कंप्रेसर ऐसे ही खराब है ना, ये काम नहीं करेगा, इसका प्रेशर कम है। तो करिए क्या, जब 400 से ऊपर चली जाए तो बंद कर दीजिए और जो भी रीडिंग आई है उसे आप किसी पेपर पे या उसके ऊपर ही क्या कर लीजिए, निशान लगा लीजिए, ठीक ना। मान लीजिए 460 रीडिंग है तो इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इस कंप्रेसर को क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, ठीक ना। ऑफ करने से पहले आप थोड़ा सा एक बार ये भी चेक कर लीजिए, कहीं यहाँ जो हमने कनेक्ट किया लीकेज तो नहीं है ना, इस लीकेज को चेक करने के लिए साबुन का झाग बनाकर इसके ऊपर लगाइएगा, यहाँ पर और यहाँ पर बाहरी जोड़ों पर लीकेज चेक कर लीजिएगा। इन दोनों तो हवा निकलेगी नहीं क्योंकि इससे बस अंदर जाती है, बाहर नहीं आती है। तो यहाँ पर आप प्रेशर एक बार चेक करिए, कहीं यहाँ हवा प्रेशर साथ निकल तो नहीं रही है ना। अगर यहाँ पर लीकेज नहीं है तो समझ लीजिए यहाँ से निकलेगा नहीं, कंप्रेसर के अंदर से निकलेगा, तो नीचे जाएगी। तो आधे घंटे तक क्या कर दीजिए, 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक ना। 30 मिनट बाद वापस देखिए कि कहीं इसकी सुई नीचे तो नहीं आई है, यदि सुई नीचे आई है तो मतलब क्या है, इसके अंदर का जो पिस्टन होता है जो सिलेंडर में चलता है वो दोनों आपस में खींच चुके होंगे, जिससे होकर हवा क्या हो गई, हो रही होगी, लीक कर रही होगा, है ना। अगर ऐसा कंप्रेसर है तो इन फ्यूचर वो क्या करेगा, जब भी आप उसमें प्रेशर देंगे यानी कि जब गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो गैस क्या होगी, सटबैक यानी कि नीचे आ जाएगी और ये कंप्रेसर गैस को कूलिंग कॉइल में भेज नहीं पाएगा तो कूलिंग नहीं होगी, ठीक ना। ऐसा कंप्रेसर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो गैस चार्जिंग करने से पहले प्रेशर चेक करें, ऐसी प्रॉब्लम है तो उस कंप्रेसर को आप क्या करिए, एक्सचेंज करिए, ठीक ना। इसके अलावा यदि सुई जिस जो भी रीडिंग आई थी, जो आपने प्रेशर चेक किया था, जो भी रीडिंग आई थी 460, उसी पर ही बना रहती है, उसी पर उसकी सुई बनी रहती है, नीचे नहीं जा रही है, मतलब कंप्रेसर को क्या है, ठीक है, ये कंप्रेसर कूलिंग अच्छा करेगा। तो आप इसमें अब गैस चार्जिंग कर सकते हैं, यानी गैस चार्जिंग करने के लिए और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अब इसको फ्लश करेंगे, कूलिंग कॉइल को फ्लश करेंगे, सिस्टम को वैक्यूम करेंगे, गैस चार्जिंग करेंगे। लेकिन कंप्रेसर खराब है तो पहले इसको बदलेंगे, फिर वो आप बाकी क्रियाएं करेंगे, ठीक ना। तो एक बार जरूर जाके आप देखिएगा पूरा ए टू जेड, ठीक ना, कि गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है उसमें बता रखा हूँ, ओके।